फ्लैश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। लूट के मामले में दो लुटेरों को गिरफ्तार करने के साथ एक जुबिनाइल को पकड़ा। खोड़ा कॉलोनी से सकरपुर स्थित क्राइम ब्रांच की एआरएससी की टीम ने क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र सिंह यादव ने रविवार की सुबह 9:30 बजे मीडिया से प्रेस रिलीज साझा करके बताया कि 24 फरवरी को शिकायतकर्ता अमित कुमार पटेल, जो कि अपने घर पूर्वी विनोद नगर जा रहे थे, जब वह कल्याणपुरी थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज NH-24 खेसड़ीपुर के पास पहुंचे तो तीन लड़कों ने रोक लिया। एक ने गर्दन दबा दी और उसके बाद खंभे में उसका सिर मार दिया, जिसके उसके चोट लगी और बेहोश हो गया और उसका मोबाइल फोन लूट के फरार हो गए। शिकायतकर्ता के बयान पर मामला दर्ज किया था कल्याणपुरी थाने ने, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 82/23 धारा 394/34 IPC के तहत मामला दर्ज किया था। मामले को सुलझाने के लिए ये जिम्मा पूर्वी दिल्ली जिला की सकरपुर स्थित क्राइम ब्रांच की ARSC की टीम को ये जिम्मा सौंपा गया था। और आखिरकार ASI श्याम सिंह को गुप्त सूचना प्राप्त हुई के एक व्यक्ति से जो लूट की थी वह गाजीपुर खोड़ा कॉलोनी के दरमियान है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाई गई, जो कि इंस्पेक्टर KK शर्मा के नेतृत्व में ACP अरविंद कुमार के अगुवाई में DCP अमित गोयल और ज्वाइंट CP HD मिश्रा के निर्देश पर यह टीम बनी। इस टीम के अंदर सब इंस्पेक्टर राहुल गर्ग, ASI श्याम सिंह, ASI अशोक, हेड कांस्टेबल सुनीत, हेड कांस्टेबल परविंदर, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र, हेड कांस्टेबल नितिन राठी, हेड कांस्टेबल ललित इस टीम में शामिल थे। पुलिस टीम ने गाजीपुर और खोड़ा कॉलोनी के दरमियान जाल बिछाया और उसके बाद पुलिस ने गाजीपुर से लेकर खोड़ा कॉलोनी तक छानबीन की और आखिरकार एक जुबिनाइल लड़के को खोड़ा कॉलोनी से पकड़ा, जिसने अपना अपराध कबूल किया। उसके निशानदेही पर दो लुटेरों को भी खोड़ा कॉलोनी से ही गिरफ्तार किया। तीनों से पूछताछ की तो तीनों ने अपना अपराध कबूल किया और उनके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपियों की पहचान, पहला तिलक निवासी खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद का, इसकी उम्र 19 साल है। दूसरे आरोपी की पहचान विकास उर्फ दुबे निवासी खोड़ा कॉलोनी का, इसकी उम्र 19 साल है। इसके साथ एक 17 साल का जुबिनाइल लड़के को पकड़ा है। इन सभी से पूछताछ जारी है।